बहराइच के दरगाह शरीफ थाना क्षेत्र में बीते दिन हुई अधिवक्ता की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला सहित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस अब आगे की कार्रवाई में भी जुटी हुई है। हमारे भाई की हत्या में उनकी बीवी का पूरा साथ है। हमारे भाई के दो बच्चे छोटे हैं, एक 5 साल का, एक 3 साल की बिटिया है। जो नतीन नाम का शख्स है वो हाफिज है, वो ट्यूशन पढ़ा रहा था। पढ़ाने के दौरान हमारी छोटे भाई की बीवी से गला संबंध हो गया, इसी चलते मेरे भाई की हत्या उसने करा। इसी दोस्ती के कारण को हत्या नहीं होती। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो 100% इसमें शोर होता है कि कहीं ना कहीं से दोनों के बीच में गला संबंध होते हैं। और एक रिकॉर्डिंग भी हम लोगों ने कहीं सुनी है, उसमें ये कहा गया है कि इनकी हत्या कर दो भी हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे। ये नदीम से और मृतक की पत्नी यानी कि हमारे छोटे भाई की बीवी से बात हुई है। आप यहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाते थे भाई? दो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। पुलिस को शक तो हत्या घटना स्थल का निरीक्षण जब हुआ तभी हो गया था शक कि वास्तव में इस घटना में कुछ इसके तार कहीं ना कहीं घर से जुड़े हुए हैं। लेकिन इन सब सारी चीज़ों को लिंक करने में और सारी चीज़ें क्लियर होने में हम लोग को 4 से 5 घंटे लगे तक। और अभियुक्तों ने जा करके बाउंड्री कूद करके उनके घर के अंदर धारदार हथियार से उनके चेहरे, उनके गर्दन और उनके हाथों पे जो है चोट पहुंचा करके उनकी हत्या की थी, जिसमें उस घटना का पूरा अनावरण किया गया पुलिस टीम ने। तो पूरा घटनाक्रम अनावरित होने के बाद इस प्रकार सामने आया कि जो इंतजारुल हक जी थे उनकी पत्नी थी कुलसुम उर्फ नुसरत जहाँ, ये इनकी दोस्ती वहाँ पे बगल में एक नदीम अहमद नाम का व्यक्ति था जो मस्जिद में रहता था, वहाँ पे जो है कुछ सेवादारी का काम किया करता था, उसे हो गई थी। और इसी दौरान जो है इनके हस्बैंड द्वारा इनके रिश्तों में खटास आ गई, जिसके नाते इनकी नदीम से दोस्ती और गहरी हुई। उसके बाद अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए इन्होंने नदीम और उसके एक दोस्त नदीम जो कि ले आया था दाऊद, दोनों के साथ मिल करके इन्होंने अपनी पति की हत्या कराई, उसमें खुद भी शामिल थी। इस पूरे घटना का अनावरण हुआ है जिसमें जब अभियुक्त गए थे अभियुक्तों को क्लियरेंस करने के लिए, हरी झंडी दिखाने के लिए इनकी पत्नी द्वारा उनको फ़ोन भी किया गया था और उनको बताया गया था कि समय रास्ता साफ है आ जाओ, उनका कबूल भी किया है। अभियुक्तों की निशादेही पर उसमें आला कतल की बरामदगी नाले से बरामद किया गया है, आला कतल बरामद हुआ, खून लगे कपड़े बरामद हुए हैं। इस प्रकार घटना का मोटा मोटी ये पूरा विवरण है। इनाम पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिया गया और हम लोग रिकमेंड करेंगे कि इसको जो है DIG साहब द्वारा भी इस टीम को पुरस्कृत कराया जाए। 25,000 रुपये तो लोकल स्तर से हो जाता है, जिसके ऊपर जो है DIG साहब और AD साहब के माध्यम से इस पुरस्कार में और बढ़ोतरी हो सकती है। तो हम लोग अनुरोध करेंगे पुलिस अधीक्षक महोदय से कि ये पुरस्कार की राशि बढ़ाई जाए और DG साहब पुरस्कृत कराया जाए। बहराइच के दरगाह थाने में एक घटना कत्ल कर दिया गया था जिसमें आज बहराइच पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। ये जानते सर, हमारे साथ मौजूद हैं बहराइच के एडिशनल SP कौन के रंजय सिंह। सर, क्या हुआ था घटना? घटना में जरूर हक नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी। घटे बरामदे में छोटे बच्चों के साथ सोए हुए थे। पूरे घटनाक्रम का अनावरण दरगाह पुलिस टीम ने और स्वाट टीम ने हमारे किया है। इस घटनाक्रम के अनावरण के पश्चात स्पष्ट हुआ है कि उनकी पत्नी जारुल हक की पत्नी थी दूसरा जहाँ गुलसुम, इनके बगल की मस्जिद में एक मुअज्जिन थे नदीम नाम का व्यक्ति था, उससे घनिष्ठ संबंध हुए और वहाँ जो पत्नी के संबंधों में इसी बात को लेकर के दूसरा जहाँ नदीम ने मिल करके जारुल हक को रास्ते से हटाने के लिए योजना बनाने, साथ ही साथ नदीम ने अपने एक जो इमाम मस्जिद में एक इमाम दाऊद नाम का व्यक्ति उसको भी इस घटना में अपने शामिल किया और तीनों लोगों ने मिलकर के चारों व्यक्ति रात में सोते समय घटना अपनी टीम को जो है 25,000 रुपये का इनाम पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिया गया है। लेकिन इसके इनाम की धनराशि कराने के लिए हम DIG रेंज साहब से और DG जोन साहब से संस्तुति करेंगे। घटना में अभियुक्त की निशानदेही पर आला कतल की बरामदगी हुई है नाले से, साथ ही साथ खून लगा कपड़ा भी बरामद हुआ है। घटना में मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। तो ये थे हमारे साथ जो बहराइच के एडिशनल SP जिन्होंने पूरा मामला बताया कि घटना का क्या कारण था। बहराइच के न्यूज़ के लिए हमारे भाई की हत्या में